सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन्स। मेरा नाम सुमित सिंह राजप्रीत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग मैथ्स 4 को किस तरह से पास करना है। भाई मेरे को पता है भाई, सुमित भाई एग्जाम्स आ गए, 3-4 दिन बचे, एकदम डर लग रहा है, पास होंगे नहीं होंगे, कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ कि हर मॉडल से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा मॉडल आसान है जिसको आप पढ़ के आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आराम से पास हो सकते हो। आपको सिंपल सा क्या करना है, इस वीडियो की लाइक टारगेट है 750 लाइक, उसको कंप्लीट कर दो। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो सारे कॉलेज ग्रुप में ताकि वो लोग भी पास हो पाए। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका ऐसा प्रॉपर प्लान होगा कि हाँ मेरे को पता है क्या पढ़ना है और मैं आराम से मैथ्स 4 को पास कर दूंगा। कैसे इंपॉर्टेंस होंगे, कैसे पास करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो इंजीनियरिंग मैथ्स के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, लास्ट मोटिवेशंस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपको जाना है कोर्सेज में और कोर्सेज में जैसे आपको जाओगे तो इंजीनियरिंग मैथ्स 4 का कोर्स दिख जाएगा। अगर आप कॉम्स के स्टूडेंट हो तो सेम 4 के बंडल में भी आपको मैथ्स 4 दिख जाएगा। मैथ्स 4 में जाना है और उसमें जाना है कॉन्टेंट वाले पार्ट पे। कॉन्टेंट वाले पार्ट पे जाओगे तो आपको इंजीनियरिंग मैथ्स 4 के इंपॉर्टेंस मॉडल वाइज मिल जाएंगे, उसी के साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेंगे जो आपको करनी चाहिए। इतना क्लियर है, चलो देखते हैं मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट। तो आ जाते हैं सबसे पहले मॉड्यूल पे, क्या सुमित भाई शुरू कहाँ से करना है। तो मैं देखो आपको कुछ पासिंग्स के लिए ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ ना जिसके लिए आपको कुछ प्री रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है कि अरे इंटीग्रेशन आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए, ये तो आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ जो आप चैप्टर को इंडिपेंडेंटली सीख सको और फटफट भाई अपना पढ़ के अपने मार्क्स स्कोर कर सको, तो वो चीज़ें बताऊंगा। और उसमें सबसे पहली चीज़ आती है, पहला अगर कोई चैप्टर है उसको कहते हैं लीनियर अलजेब्रा। भाई बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 3 टॉपिक आते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये पूछते ही पूछते पहले क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आपको वहाँ मिल जाएगा। इतना क्लियर है। आइगन वैल्यू पे बेस पे एक सम है कैले हैमिल्टन, ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अलग से। और आइगन वेक्टर पे एक न्यूमेरिकल है जिसको कहते हैं डायग्नोसिबिलिटी, ये भी 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लीनियर अलजेब्रा में टोटल 17 मार्क्स का पूछा जाता है भाई, ये 5, ये 6, ये 6, मतलब 12 से 17 मार्क्स तो आप यहीं स्कोर कर लोगे अगर आप ये चैप्टर को भी अच्छे से कर लो तो। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वो है देखो आगे के जो 2 चैप्टर है, LPP जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं और MLPP जिसको नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसके मैं पहले आपको एडवांटेज बता देता हूँ, डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूँ। इसके एडवांटेज क्या पता है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज के दोनों चैप्टर पूछे जाते हैं, आप समझ रहे हो, बहुत मार्क्स का आता है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए आपको कोई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आने की जरूरत नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला तो ये बहुत लेंदी होता है, एक एक सम 20 से 30 मिनट ले लेता है, और आप बहुत प्रैक्टिस करो तो इनको 15 मिनट से 18 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बहुत लेंदी होता है। दूसरा है कि अगर आपने इतनी सी भी मिस्टेक कर ली तो इसमें स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते, इधर डायरेक्ट मेन आंसर्स के मार्क्स मिलते हैं, इतना समझ रहे हो। लेकिन ये बहुत स्कोरिंग है, अगर आप इनको अच्छे से कर लो और मैट्रिसेस कर लो जो लीनियर अलजेब्रा है, तो आप पास वहीं हो जाओगे, इसलिए मैंने उसको प्रायोरिटी रखा है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कौन सी चीज़ों को छोड़ना है मैंने वो भी बताया है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट है चलो मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले फाइंड ऑल सॉल्यूशन करके एक न्यूमेरिकल आता है 5 मार्क्स के लिए, मस्त इजी है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड एक न्यूमेरिकल है वो है सिंप्लेक्स मेथड पे, जो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद फाइंडिंग ड्यूअल करके एक न्यूमेरिकल आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड करके है जो 6 मार्क्स के लिए आता है, आप समझ रहे हो। तो इन दोनों में से कुछ 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा और ये दोनों 6-6 मार्क्स के लिए आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने मुश्किल नहीं है, बस लेंदी है। अगर फटाफट प्रैक्टिस करके सीखोगे तो हो जाएगा, और अभी भी टाइम है अपने पास, इतना क्लियर है। एक और चीज़ पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन सुमेर भाई कहेगा कि अभी इसको हाथ में मत लो, जिसका नाम है बिग एम। इसका नाम ही बिग एम है, ये 6 से 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट एक सम को सॉल्व करने को 40 से 50 मिनट चली जाती है भाई, और अपने पास इतना टाइम नहीं है, आप समझ रहे हो क्या। तो अगर आपको LPP थोड़ा अच्छे से आता है, बिग एम आता है समझो, और लास्ट में टाइम बच रहा है, पेपर में कुछ करने को है नहीं, ईंटें गिन रहे अपन दीवारों के, तो मैं कहूँगा तब बिग एम करना, वरना अभी हाथ में इसको मत लेना। इतना भी कर लोगे ना तो भी बेस्ट है, इतनी चीज़ें भी कर लोगे तो पहले वो करना है जो फटफट हो जाए, क्लियर है। फिर आ जाते हैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे। इस पे 2 टाइप के सम आते हैं, एक होता है ऑप्टिमाइजेशन जिसमें नो कंस्ट्रेंट होता है, और दूसरा होता है लैग्रांजियन कुंटक्कर जिसमें कंस्ट्रेंट होता है, आप समझ रहे हो। ये तीनों को मिला के ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का आता है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग्रांजियन और कुंटक्कर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, शायद आपको नहीं पता होगी। देखो कंस्ट्रेंट जो होता है, मतलब आपको सिंपल सा दे देगा मैक्सिमाइजेशन कोई कंस्ट्रेंट दिया ही नहीं है तो वो ऑप्टिमाइजेशन का है, पर कंस्ट्रेंट रहेगा तो अगर आपको एक कंस्ट्रेंट दिया जा रहा है तो सही है भाई, लैम्बडा इज इक्वल टू इधर 0 होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा, आप समझ रहे हो। पर जब कंस्ट्रेंट 2 जाते हैं ना तो वो लैम्बडा की वैल्यू 4 हो जाती है,
अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो आपको आइडिया होगा, तो तब ना भाई चार कंस्टेंट लैम्डा की वैल्यू निकालने में आपके 40-50 मिनट वहीं चले जाएंगे। तो अगर आपको एक कंस्टेंट मिल रहा है तो फटफट इसको सॉल्व करो, अगर नहीं मिल रहा तो लास्ट में सॉल्व करना, टाइम बहुत चला जाएगा। और अपने पास लोगों को लगता है कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट क्या इंपॉर्टेंट आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको आता सब कुछ था लेकिन फिर भी पेपर में 32 लाए, 35 लाए और कुछ लोग फेल हो गए। भाई आपको पेपर दूंगा ना, आप 8 घंटे में सॉल्व कर दोगे लेकिन 3 घंटे में सॉल्व करना है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर एक कंस्टेंट आ रहा है तो फटफट सॉल्व कर लोगे, एक से ज़्यादा कंस्टेंट है तो बाद में करना भाई, पर ये इंपॉर्टेंट है। लग्रांजी और कुंड टक्कर अगर विद कंस्टेंट आ रहा है और एकाध कंस्टेंट है तो फटफट हो जाएगा, ईजी है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सुमेर भाई LPP का सम है कि नॉन LPP का सम है, वो कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल सी ट्रिक है, ये है कि आपका जो वेरिएबल का पावर होता है ना x^2, वेरिएबल का जो पावर होता है LPP में raised to 1 ही होता है, और नॉन LPP में, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन अब तक अपना जो सिलेबस है उसमें 2 ही दिया भैया, उससे ज़्यादा तो दिया ही नहीं है। इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे बढ़ने के पहले सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को पता है कि आप बहुत डरे हुए कि सुमेर भाई मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो मेरे पास आपके लिए बेस्ट सिंपल सी चीज़ है, वो है हमारा लास्ट मोटिवेशन का कोर्स, क्योंकि मैथ्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वीडियो लेक्चर से समझना। कॉन्सेप्ट समझ लिया क्योंकि रट्टा नहीं मार सकते, तो कॉन्सेप्ट समझोगे, एक बार समझ लिए तो फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो लास्ट मोटिवेशन के हैंडमेड नोट्स हैं। तो हमारा कॉम्स और IT के लिए अगर आपको सिर्फ मैथ्स लेना है तो इंजीनियरिंग मैथ्स फॉर का कोर्स है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर से और हैंडमेड नोट्स है, जिससे आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप कॉम्स के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर कॉम्स के स्टूडेंट हो, तो हमारे पास कंप्लीट बंडल है जिसमें आपको मैथ्स के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस मिलेंगे और प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स और सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। तो लिंक दोनों की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत लोग पढ़ के पास हो रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं 10 पॉइंटर तक भाई, तो आप क्यों वेट कर रहे हो, फटफट एनरोल करो और चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो, इतना मैं आपको समझा लिया कि अगर आप आराम से लीनियर अलजेब्रा भी कर लो, LPP कर लो और नॉन LPP करो, तो आपके पासिंग मार्क्स तो हो गए, पर यही है कि अच्छे से आपको ये तीनों चैप्टर आने चाहिए। अगर आप एकदम डामाडोल एक आध सम ही आता है और ऐसे करके जा रहे हो तो नहीं, पर ये 3 भी अच्छे से करो तो आप आराम से पास हो जाओगे। थोड़ा आगे बढ़ते थोड़ा, क्योंकि सिर्फ पासिंग मार्क्स के एकदम टक्कू टक नहीं जाना है, अपने को थोड़ा सा बेस बना के अच्छे लाना है कि अपन 50 मार्क्स के लाए तो आराम से 32 तो स्कोर कर ही लेंगे ना भाई। इतना क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो चैप्टर है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग थ्योरी। उसमें देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले 3 चीज़ें पूछी जाती थी, पर अभी पॉइजन और नॉर्मली पूछते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा और उतना इजी है नहीं, कॉम्प्लेक्स है ये। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको करके चले जाऊँ, अगर उसमें से कुछ आ गया तो सॉल्व कर लेना, वरना छोड़ देना भाई। पर सैम्पलिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजी है, जो प्रोबेबिलिटी के बाद आती है और इतना कुछ डिपेंडेंट नहीं है, वो एकदम अलग है, आप आराम से इसको सीख सकते हो, वो बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो आराम से आंसर आ जाता है और स्कोरिंग है। इतना क्लियर है। तो इसमें 3 टाइप के सैम्पलिंग होती है, लार्ज सैम्पलिंग होती है, स्मॉल सैम्पलिंग होती है और ची स्क्वायर टेस्ट होता है। क्लियर है, ये टोटल 12 मार्क्स का आता है। अगर आपकी लार्ज सैम्पलिंग का पता चलेगी जब एन की वैल्यू 30 से ज़्यादा है, स्मॉल सैम्पलिंग का पता चलेगी जब एन की वैल्यू 30 से कम है, और उसी के साथ साथ जब एन लार्ज सैम्पलिंग होती है तो हम जी टेस्ट लेते हैं और स्मॉल सैम्पलिंग होती है तो टी टेस्ट लेते हैं। टोटल 12 मार्क्स का आता है। तो अगर आपको इनमें से कुछ करना है तो मैं आपकी जगह होता तो सैम्पलिंग करके जाता मैं। इतना क्लियर है, पर मैं लास्ट में बताऊंगा कि करने का सही तरीका भी क्या है, किस तरह से अगर आप मैथ्स फोर पढ़ रहे हो तो किस तरह से पढ़ना है अगर 4-5 दिन बचे हैं तो। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग हो गया। उसके बाद एक और चीज़ आती है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अपने आप में तो बहुत बड़ा मॉड्यूल है, लेकिन उसमें से मैं बोलूँगा कि बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम है टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। एक्चुअल टेलर सीरीज तो पहले था, अभी लॉरेंट सीरीज ही है, लेकिन लॉरेंट सीरीज है ना ये टेलर के बेसिस, उसकी सीरीज को इसने मॉडिफाई किया है, इसलिए हम लोग आपको टेलर दिखे लॉरेंट दिखे कुछ भी सीरीज दिखे ना भैया, अपने को यही वाला लॉरेंट सीरीज ही फॉलो करना है। 8 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इंप॑ॉर्टेंट है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3 फॉर्मूला से उसको याद कर लोगे तो हो जाएगा, 3-4 सम सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। उसी के साथ साथ इसी के बेसिस पे इनवर्स ट्रांसफॉर्म का एक सम आता है, आप समझ रहे हो, जिसको पार्शियल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। अगर आपको टेलर सीरीज आता है तो इनवर्स का जो सम है उसको करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको, तो अगर आपको ये आता है तो ये भी आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत आना चाहिए, बाकी चीज़ों में उतनी बैकअप की जरूरत नहीं थी, इसमें हल्का पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। तो अगर आपको टेलर लॉरेंट सीरीज आती है तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म का भी न्यूमेरिकल्स आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, कौन से मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। उसके बाद तो टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, फिर जेड ट्रांसफॉर्म में 2 ही चीज़ें, या तो जेड ट्रांसफॉर्म पूछते हैं फिर इनवर्स पूछते हैं। पिछले कुछ टाइम से, वैसे तो इनवर्स का सम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर पिछले कुछ टाइम से बहुत आसान आ रहे हैं,
प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर देना जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, और आप आराम से टेलर और लॉरेंट के बेसिस पे जेड ट्रांसफॉर्म वाला भी सम सॉल्व कर पाओगे। इतना क्लियर है आपको फ्लो समझा के पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और उसके बाद क्या करना है, कौन से मॉडल से क्या चीज़ों को करना है, कौन से मॉडल से कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। अब एक बार मैं आपको पूरा वापस फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर पास होना है तो लीनियर अलजेब्रा, एलपीपी और एमएलपीपी को बहुत अच्छे से कर लो। जो जो टॉपिक बता रहा हूँ उसके चार चार न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। मैंने अपने कोर्स में एग्जांपल दिए हुए कि कौन से करने हैं। इतना क्लियर है, पर उनको सॉल्व कर लो और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कर लो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, यहाँ से आप पासिंग मतलब कट टू कट पासिंग करोगे। पर अगर आप सैम्पलिंग थोड़ा कर लो, कॉम्प्लेक्स से ये कर लो, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको कर लोगे तो पास आराम से ही हो जाओगे। पर फ्लो होना चाहिए। नॉन एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा, एलपीपी एंड एनएलपीपी में कोई भी प्रीरिक्विज़िट्स की जरूरत नहीं है। सैम्पलिंग भी आप आराम से कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रीवियस ईयर करके जाने हैं। कॉम्प्लेक्स में पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत लगेगा, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज है, और जेड ट्रांसफॉर्म में जेड ट्रांसफॉर्म आता है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आता है। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म अपना टेलर लॉरेंट सीरीज के बेसिस पे ही है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई पढ़ना कैसे है, पाँच दिनों में मैथ्स निकालूँ कैसे। ओके, देख भाई एक और चीज़ बता लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैथ्स का पेपर इज़ नॉट अबाउट कि भाई मेरे को आता बहुत कुछ है, और मैंने पहले भी बताया है पेपर अटेम्प्ट करना भी एक स्किल है। तो सबसे पहले जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो पहले आराम से देखो मुझे कौन सी चीज़ आती है और मैं उसको कितना टाइम दूंगा। किसी भी न्यूमेरिकल को एक घंटा मत देना। एक घंटा डेढ़ घंटा दे रहे हो, छः मार्क्स का न्यूमेरिकल है, छः ही मिलने वाला है, कोई 32 नहीं दे देगा। पहला गोल होना चाहिए कि मैं 32 मार्क्स कैसे स्कोर करूँ, मुझे इसमें पास होना है। तो हमेशा घड़ी साथ में रखना, टाइम प्रॉपर देखते रहना, और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना भाई। पता चल रहा है यार 10 मिनट ऐसा दीवारों पे ईंटें गिन रहे हो, कोई नहीं भैया, फोकस करना है क्योंकि मुझे मैथ्स 4 का पेपर पास करना है। सॉर्टेड है, अब बताता हूँ कि इसको पास कैसे करते। तो अब सवाल आता है कि सुमेर भाई टाइम बहुत कम बचा है और मैं पढ़ूँ कैसे। तो मेरे को पता है सबसे पहली चीज़ जो आपको जीतनी है वो है आपका डर। आपको डर लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा, तो पहले खुद को बिलीफ लगाओ कि हो पाएगा। प्लान आपके सामने मैंने बता दिया कितना पढ़ना है। अब आपको रोज़ से 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, और लास्ट के 2 दिन तो 7-8 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा। इतना क्लियर है। पढ़ने का आपका तरीका मेरे को पता है, आप सोच रहे हो किताब लेके बैठूंगा खुद सॉल्व हो जाऊँगा, ऐसे नहीं होने वाला भैया। क्लियर है, सिर्फ बुक से पढ़ नहीं पाओगे। आपको 3 तरीके बताता हूँ जिस तरह से आप आराम से मैथ्स 4 की पढ़ाई कर पाओगे। अभी 4-5 दिन है तो आराम से। पहली चीज़ है लास्ट मिनट ट्यूशंस का मैथ्स 4 का कोर्स ले लो, वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट कर लो, जो नोट्स दिए उनको और कर लो, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है कि आपके आजू बाजू कोई क्लासेस होगी जो क्रैश कोर्स कराती है, तो उसमें क्रैश कोर्स करना, क्लासेस लगाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको ए टू बी पहुँचाता है, तो कोई गलत नहीं है। तीसरी चीज़ है जो भी टॉपिक दिए उनको यूट्यूब पर सर्च करो और वहाँ पर उनके वीडियोज़ देखो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि 10 जगह घूमना पड़ेगा, पर अगर आपके पास टाइम है और आप 8 घंटा लेके बैठ सकते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ बुक से या फिर यार मैं याद कर लूँगा, तो मैथ्स को याद करने वाले इंसान बहुत सारे गोल्डन किटी लेके बैठे, ड्रॉप लग गए। इतना क्लियर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे 4-5 दिन में, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 100-150 पेजेस की किताब भर दो, इतना सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे उतना पेपर में कॉन्फिडेंट होंगे। जितना रट्टा मारोगे, याद करोगे, उतना पेपर में क्या हो जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे। पंडा सिंपल है, सीरियस हो जा भाई। 4-5 दिन बचे लास्ट मैथ से मैथ्स 4, उसके बाद तो इंजीनियरिंग मैथ आएगा भी नहीं तेरे को। दूसरी चीज़ है तो लोड मत ले, फटाफट जो भी तरीका है, नीचे कोर्स की लिंक मिल गई, वो भी जाके चेकआउट करो और पढ़ाई शुरू करो। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। स्पेशल थैंक्स टू इंतकाब सर जिन्होंने मेरी मदद की, वरना ये इंपॉर्टेंस नहीं बन पाते थे, तो उनको स्पेशल थैंक्स। और यार सबसे ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने को। तो आप जितने लोगों को शेयर करोगे उतने लोगों को हेल्प होगी, और उतना हमने को लगेगा यार अपना वर्थ इट था मेहनत। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड ख्याल रखो अपना।